हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं प्रेम सागर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ, यूट्यूब के कुछ नए रूल चेंज हुए हैं, यूट्यूब के कुछ डेंजरस अपडेट्स आए हैं जो दोस्तों कह सकते हैं उन सभी यूट्यूबरों के लिए बहुत ही डेंजरस या दोस्तों बहुत ही जानना जरूरी है, जो दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में चैनल बनाए हुए हैं और अपना वॉच टाइम कंप्लीट करने जा रहे हैं और अपना वॉच टाइम कंप्लीट करके उसे अपने चैनल को अपने अंडर रिव्यू में भेजने वाले हैं। दोस्तों, उन सभी को बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी है या दोस्तों वो सब के लिए भी जानना जरूरी है जो अभी अभी चैनल बनाने के लिए यूट्यूब पर सोच रहे हैं, यूट्यूब पर चैनल बना के और अर्निंग करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी जानना जरूरी है। अभी मोनेटाइजेशन होना कितना कठिन हो चुका है अब यूट्यूब के नए रूल के नियम के तहत। दोस्तों, आज की वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ, यूट्यूब के नए रूल के रूल नियम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला आज की वीडियो। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको लगता है इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, YouTube की तरफ से कुछ बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कठिन अपडेट्स आए हैं जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाले हैं। इस अपडेट्स के तहत आपके चैनल के लिए दोस्तों कह सकते हैं कई लोग को दोस्तों एडसन भी बहुत ही डेंजरस इस अपडेट्स में पड़ जाएगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला अपडेट आया YouTube की तरफ से सर, YouTube थीम्स यानी कि अपने जो भी चैनल बना है किस थीम पर बना है, यानी कि दोस्तों किस कैटेगरी पर किस थीम पर जा रहे हैं, किस लाइन पर आप बता रहे हैं, टेक को बता रहे हैं कि एजुकेशन पर बनाए हैं कि कुकिंग पर बनाए हैं कि ब्लॉग पर बना है, किस कैटेगरी पर चैनल बना है, ये डिपेंड रखेगा YouTube का। दोस्तों, सबसे पहले बोला कि YouTube आप अपने एक थीम पर वीडियो बनाइए, एक थीम पर अपने चैनल को बनाइए, किसी एक थीम पर जाइए, तभी उस थीम पर एक थीम पर आपका चैनल रहेगा, तभी आपका चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन करेगा, ऐसा कहा है। वही दूसरा अपडेट बताया कि इसमें बोला है कि दूसरा चीज ये चेक होगा आपका अंडर रिव्यू में कौन सी पॉपुलर वीडियो है आपकी, जो आपकी पॉपुलर वीडियो को चेक करेगा जिससे आपका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, उसको आप चेक करेगा सबसे पहले। वैसे पूरी तरह एक तरफ लेंस लगा के पूरी अंदर तक चेक करेगा कि आपकी पॉपुलर वीडियो में कहां से वॉच टाइम आया है, ये भी चेक करेगा। और तो उस वॉच टाइम को कहीं आप लीगल तरीका से इलीगल तरीका से नहीं लिए, किस तरीका से लिए हैं, कहां शेयरिंग से किस तरीका से भी वॉच टाइम कंप्लीट किए हैं उस वीडियो में, कहीं यूट्यूब के इलीगल तरीका से तो नहीं लिए हैं व्यूज, इसमें भी पूरा तरह चेक करेगा। वही दोस्तों अपने आपके न्यूएस्ट वीडियो को भी वही से चेक करेगा, यानी कि जब अंडर रिव्यू में आपको भेजते हैं और जब आपका कोई पॉपुलर वीडियो से आपका क्या होता है वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, उस वीडियो को चेक करेगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद के बारे में एक हफ्ते पहले का वीडियो आपको पूरी तरह चेक करेगा, न्यूएस्ट वीडियो जो होंगे 10-15 न्यूएस्ट वीडियो आपने डाले होंगे उसको चेक करेगा सबसे पहला उसको, और चेक करेगा और देखेगा आपने कोई किस थीम पर वीडियो डाला है, क्या जिस कैटेगरी पर आपका जो आपका वीडियो चला है, जो वीडियो चला है क्या उसी वीडियो पर कैटेगरी थीम पर है कि नहीं, बाकी वीडियो भी आपका चेक करेगा। ऐसा नहीं हुआ तो दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइजेशन और नहीं करेगा। साथ में दोस्तों आपका मेटा डेटा को भी चेक करेगा। मेटा डेटा मतलब दोस्तों टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग किस तरीका से डाले हैं, कहीं आप स्पम वर्ड का इस्तेमाल तो नहीं किए हैं, स्पम टाइटल इस्तेमाल नहीं किए हैं, कहीं स्पम वर्ड का कहीं डिस्क्रिप्शन में तो नहीं है, स्पम लिंक तो नहीं दिए हैं, ये सब आपको चेक करेगा। ऐसा आप गलती करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके पर कॉम्पिटिटिव गाइडलाइन का स्ट्राइक आपके पर पड़ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग किसी आप लोग वीडियो जब आप लोग यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो अपलोड करने की सोच रहे हैं तो बस एक तब ध्यान दीजिएगा, एक थीम पर वर्क कीजिएगा, किसी एक थीम पर किसी एक कैटेगरी पर पहले सोच लीजिए, किसी एक कैटेगरी पर आप वर्क करेंगे। और दोस्तों आप लोग जब अंडर रिव्यू में जब वीडियो को भेजते हैं, अपने चैनल को भेजते हैं अंडर रिव्यू में, तो आप लगातार अपना वीडियो उसी थीम पर डालते रहिए जिस थीम पर आपने का पॉपुलर वीडियो कोई पॉपुलर आपका वीडियो वायरल हो चुका है, और दोस्तों उस वायरल वीडियो पर ही मतलब उसी थीम पर अपना बाकी वीडियो डालते रहे जिससे यूट्यूब की लगे कि आप उसी थीम पर बना रहे हैं और चैनल आपका इजिली आपका मोनेटाइजेशन हो जाए। तो दोस्तों मोनेटाइजेशन होना बहुत ही कठिन हो गया है इस 2020 में। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इस अभी आप लोग चैनल बनाने की सोच रहे हैं, दोस्तों चैनल बनाए हैं और अपने चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है, आप लोग बताइए किस कैटेगरी पर आप चैनल बना वीडियो चला रहे हैं, किस कैटेगरी पर अपने चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थे यूट्यूब की तरफ से कुछ आए हुए अपडेट्स, जो उम्मीद करता हूँ आप लोग को दोस्तों कहीं ना कहीं इस अपडेट से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा या दोस्तों इससे कुछ इंफॉर्मेटिव हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।